गुड मॉर्निंग टू ऑल द डियर स्टूडेंट्स. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश फर्स्ट ऑफ क्लास फिफ्थ, चैप्टर नंबर 5, द डोंकी एंड अ कनिंग फॉक्स. एक गधा और चालाक लोमड़ी. फॉक्स मतलब लोमड़ी होता है, कनिंग मतलब चालाक. वंस देयर लिव्ड अ फूलिश डोंकी इन अ टाउन. द टाउन वॉज सिचुएटेड नियर द फॉरेस्ट. एक बार की बात है, एक बेवकूफ गधा एक कस्बे में रहता था. द टाउन वो सिचुएटेड नियर अ फॉरेस्ट, और जिस टाउन में वो रहता था मतलब उसके पास ही टाउन एक था फॉरेस्ट के नज़दीक ही. फॉरेस्ट के नज़दीक एक टाउन सिचुएटेड यानी स्थित था. देयर इन द फॉरेस्ट लिव्ड किंग लायन एंड हिज मिनिस्टर अ कनिंग फॉक्स. और उस फॉरेस्ट में शेर जो कि राजा था और उसका एक मिनिस्टर यानी मंत्री था, बहुत ही चालाक या धूर्त लोमड़ी था. कनिंग कनिंग मतलब क्या होता है, धूर्त. वंस किंग लायन वॉज बैडली वाउंडेड इन अ फायर फाइटिंग विथ एन एलिफेंट. एक बार क्या हुआ, जो राजा था लायन जो था किंग लायन था, वो बहुत ही बुरी तरीके से बैडली मतलब बुरी तरीके से वाउंडेड मतलब घायल हो गया. इन अ फायर्स फाइटिंग विथ एलिफेंट यानी एक एलिफेंट से लड़ाई में इसकी इससे लड़ाई हुई, और जिसमें क्या हुआ कि इन दोनों की लड़ाई में शेर बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया. ही बिकेम अनेबल टू हंट फॉर हिज प्रे. और वह इतना घायल हो गया कि वह अपना शिकार भी नहीं कर सकता था. प्रे मतलब यहाँ क्या होगा, शिकार, हंटिंग. सो ही आस्क्ड हिज मिनिस्टर एंड कनिंग फॉक्स टू द ब्रिंग सम गुड मी फॉर हिम. इसलिए अब वो कमज़ोर हो चुका था, शेर अब कमज़ोर हो चुका था, इसलिए उसने अपने मंत्री से कहा यानी कनिंग फॉक्स से बोला, जो चालाक लोमड़ी था उससे उसने कहा कि मेरे लिए अच्छा भोजन लाओ, क्योंकि अब तो ये चल नहीं सकता था, घायल हो गया था. आगे देखते हैं. एज द फॉक्स यूज टू शेयर द हिज प्रे विद किंग लायन हंटेड फॉर हिज मील्स, ही एट वंस सेट आउट द सर्च फॉर फूड. और जो फॉक्स था वो जब कभी भी शिकार करता था वो क्या करता था, लायन के साथ मिल बांट करके खाता था आधा भोजन. अब वो सेट आउट टू सर्च फॉर फूड, अब इसलिए वो भोजन की तलाश में चल पड़ा. वाइल वॉन्डरिंग देयर इन देयर द फॉक्स मेट अ डोंकी. यानी जब वो लोमड़ी भोजन की तलाश के लिए जंगल में चल दिया तो उसे एक डोंकी मिला. डोंकी मतलब गधा मिला, जो कि बहुत ही ज़्यादा फूलिश था. द डोंकी लुक्ड फूलिश यानी देखने में ही वो गधा लग रहा था, एकदम बेवकूफ लग रहा था. गधा जो था वो बहुत ही बेवकूफ दिख रहा था, नर्वस एंड हंग्री, जो कि बहुत ज़्यादा चिंतित था और हंग्री, हंग्री मतलब भूखा भी था. द फॉक्स आस्क्ड हिम, हेलो यू सीम टू बी न्यू टू दिस फॉरेस्ट, वेयर डू यू एक्चुअली कम फ्रॉम. तो उसने पूछा यानी लोमड़ी ने गधे से पूछा कि तुम कहाँ से, तुम इस फॉरेस्ट में नए दिख रहे हो, तुम कहाँ से आए हो. यानी वो उससे पूछता है, लोमड़ी पूछता है गधे से कि तुम कहाँ से वास्तव में आए हो. तब गधा बोलता है, आई केम फ्रॉम द नियर बाई टाउन, सेड द डोंकी. डोंकी ने कहा कि मैं पास के ही कस्बे से, टाउन से आया हूँ. माई मास्टर द धोबी मेक्स मी वर्क ऑल डे बट डजेंट फीड मी प्रॉपरली. यानी उसने कहा कि मेरा जो मालिक है धोबी, वो हमेशा मेरे मुझसे काम लेता है लेकिन मुझे अच्छे से खिलाता नहीं. प्रॉपरली मतलब ठीक ठाक ढंग से खिलाता नहीं है. फीड मतलब भोजन नहीं कराता, यानी इसको भोजन सही से नहीं देता है. सो आई लेफ्ट माई होम फाइंड बेटर प्लेस टू लिव इन एंड ईट प्रॉपरली. इसलिए मैंने उसका घर छोड़ दिया और एक अच्छे जगह की तलाश की करना शुरू कर दिया, जिससे कि मुझे अच्छे तरीके से रहने को और खाने के लिए मिले. यानी ये जो डोंकी था वो किसी धोबी का था, और ये उसका जो मालिक था धोबी जो था वो उसको भोजन प्रॉपरली नहीं देता था, इसलिए वो उस प्लेस को छोड़ करके चला आया था. आई सी, सेड द फॉक्स. फॉक्स ने कहा, ठीक है, डोंट वरी, चिंता मत करो. आई एम द सीनियर मिनिस्टर टू द फॉरेस्ट किंगडम. मैं क्या हूँ, इस फॉरेस्ट का, जो ये फॉरेस्ट किंगडम है उसका मैं सीनियर मिनिस्टर हूँ, मुख्यमंत्री हूँ, ठीक, या सबसे वरिष्ठ मंत्री हूँ. कम विथ मी विद द किंग्स पैलेस. चलो राजा के महल में चलते हैं. राजा मतलब शेर के महल में चलते हैं. आवर किंग नीड्स अ बॉडी गार्ड.
हु हैज़ द एक्सपीरियंस ऑफ टाउन लाइफ, यानी उसने कहा कि मेरे जो राजा साहब हैं उनको एक अनुभवी एक्सपीरियंस्ड टाउन लाइफ में जीने वाले व्यक्ति की ज़रूरत है या एक की ज़रूरत है, यानी एक ऐसे जानवर की ज़रूरत है जिसके पास कुछ एक्सपीरियंस हो टाउन लाइफ का, कस्बे में रहने वाले जीवन का। यू विल लिव इन द पैलेस एंड ईट अ लॉट ऑफ ग्रीन ग्रास ग्रोइंग अराउंड इट। तुम महल में ही रहना और महल के बाहर जितने भी हरे हरे घास हैं उसके चारों तरफ तुम खाना। तुम खाना, ये कौन कहता है? लोमड़ी कहती है, किससे? गधे से। द डोंकी वॉज वेरी हैप्पी टू लिसन टू ऑल दिस फ्रॉम द मिनिस्टर्स फॉक्स ऑफ द फॉरेस्ट किंगडम। यानी ये सुनकर के जो डोंकी रहता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो फॉरेस्ट किंगडम में रहेगा। ही प्रोसीडेड विथ हिम टू द रॉयल पैलेस, और वह आगे बढ़ा, उसके साथ चल दिया। प्रोसीडेड मतलब आगे बढ़ा, विथ हिम द रॉयल पैलेस यानी रॉयल पैलेस में वो भी चला गया। किसके साथ? फॉक्स के साथ, गधा भी, डोंकी भी चला गया। सीइंग अ डोंकी बिफोर हिम किंग लायन बिकेम हाईली इम्पेशेंट। अपने सामने गधे को देख करके जो शेर था वो बिल्कुल बेचैन हो गया उसे खाने के लिए। इम्पेशेंट मतलब एकदम उसमें धैर्य ना रहा, अधीर हो गया। एंड पाउंस्ड अपान हिम इमिडिएटली, और उस पर एक छलांग मारी तुरंत ही। बट ऑन अकाउंट ऑफ कॉन्स्टेंट हंगर द किंग लायन हैड गॉन वीक। लेकिन ज़्यादा दिन भूखे रहने के कारण जो शेर था वो काफ़ी वीक यानी कमज़ोर हो गया था, इसलिए उसको खा नहीं पाया। ही कुड नॉट ओवर पावर द डंकी, और डंकी को वह हरा नहीं पाया, यानी डंकी भाग गया, जो डोंकी था वो भाग गया। द डोंकी फ्रीड हिमसेल्फ एंड रैन फॉर हिज लाइफ। वो उसे शेर से अब पीछा छुड़ा करके उससे बच करके भाग निकला अपना जान बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए। योर मैजेस्टी सेड द फॉक्स टू किंग लायन। जो फॉक्स था उसने बोला शेर से, योर मैजेस्टी महाराज, यू शुडंट हैव एक्टेड इन सच हास्ट, यू हैव स्केयर्ड योर प्रे। आपको इतना जल्दी नहीं करना चाहिए, आप आते ही तुरंत तो उस पर कूद पड़े, और जिससे वो अपने शिकार पर इतना ज़्यादा जल्दी कूदना नहीं चाहिए था, इसलिए क्योंकि वो जो था वो आपका शिकार जो था वो डर गया और भाग गया। आई एम सॉरी सेड द लायन किंग लायन, यानी उसने कहा, शेर ने कहा सॉरी, आई एम सॉरी बोला। ट्राई टू ब्रिंग हिम हियर एट वंस वंस अगेन, यानी उसने कहा कि कोशिश फिर से करो कि ये इसको फिर से लाने की कोशिश करो, यानी इस गधे को फिर से लाओ ताकि मैं खा सकूं। द हंग्री फॉक्स वेंट अगेन टू द डोंकी एंड सेड हिम व्हाट अ फनी फेलो यू आर। यानी जो फॉक्स था उसने कहा कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, व्हाई डिड यू रन लाइक दैट, तुम ऐसे क्यों भाग गए। व्हाई शुडंट आई आस्क द डोंकी, तो डोंकी ने कहा कि मुझे क्यों नहीं भाग जाना चाहिए, क्योंकि शेर तो मुझे खा रहा था इसलिए मैं भाग गया। माई डियर सेड द फॉक्स, फॉक्स ने कहा यार मेरे प्यारे दोस्त, यू वर बींग टेस्टेड फॉर योर अलर्टनेस रॉयल बॉडी गार्ड ऑफ द किंग। यानी उसने कहा कि तुम्हें क्या करना चाहिए था, तुम ये मतलब तुम्हारी परीक्षा ली जा रही थी कि तुम कितना अलर्ट हो। यानी लोमड़ी ने कहा कि तुम्हारे ऊपर शेर ने झपट्टा इसलिए मारा क्योंकि वो देखना चाहता था कि तुम कितने अलर्ट हो, कितने जागरूक हो, क्योंकि बॉडीगार्ड को जागरूक होना चाहिए। थैंक गॉड यू शोड मी क्विक रिलैक्स रिफ्लेक्स, अदरवाइज यू हैड बीन रिजेक्टेड फॉर द जॉब। यानी उसने कहा कि तुमने तुरंत ही अलर्टनेस दिखाई, अन्यथा तुम क्या कर दिए जाते, इस जॉब के लिए तुम सुटेबल नहीं होते, यानी रिजेक्ट कर दिए जाते, तुम्हें हटा दिया जाता, यानी तुम्हें ये पद न मिल पाता बॉडीगार्ड का। द डोंकी बिलीव्ड विथ वॉट द फॉक्स सेड एंड अकम्पनीड विथ हिम वंस अगेन टू द पैलेस। एकम्पनीड मैंने उसके साथ चलाया, उसको ज्वाइन कर लिया। फिर क्या हुआ, जो डोंकी था उसने लोमड़ी की बातों पर फिर से विश्वास कर लिया और वो महल की तरफ फिर से चल दिया उसके साथ, फॉक्स के साथ। देयर वॉज अ पैलेस द किंग्स लायंस हाइडिंग बिहाइंड द थिक बुशेज। और पैलेस के पहले ही झाड़ियों में शेर पहले से ही छुपा हुआ था पीछे। एज सून एज द डोंकी पास बाई द बुशेज द लायन पाउंस्ड अपॉन हिम एंड किल्ड हिम। और जैसे ही वो
आगे बढ़ा, झाड़ियों के शेर ने उस पे झपट्टा मार करके उसे खा लिया। इंस्टेंटली मतलब तुरंत ही उस पे झपट्टा मार के उसे ख़त्म कर दिया, यानी उसे किल कर दिया। जस्ट वेन द लायन वॉज अबाउट टू ईट द डोंकी, द फॉक्स सेड, योर मजेस्टी, यू आर गोइंग टू हैव योर मील्स आफ्टर अ क्वाइट फ्यू डेज, इट्स बेटर यू फर्स्ट टेक अ बाथ एंड ऑफर अ प्रेयर। तो जो लोमड़ी था उसने कहा कि सरकार, आप बहुत दिन के बाद भोजन पा रहे हैं, कई दिन के बाद आपको भोजन नसीब हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, पहले आप नहा धो करके भगवान को ऑफर करिए, यानी प्रेयर करिए और भगवान को चढ़ाइए। किंग लायन रोड एंड सेड टू द फॉक्स, स्टे हियर, आई विल बी बैक राइट नाउ। और शेर ने कहा ठीक है, उसने जोर जोर से गुर्राया और वो चला गया। द लायन वेंट टू टेक बाथ ऑफर हिज प्रेयर्स, यानी भगवान पूजा करने के लिए वो ने बाथ यानी नहाया, स्नान किया। इन द मीन टाइम द फॉक्स एट द डंकीज ब्रेन, जब वो नहाने चला गया था तो जो फॉक्स था, लोमड़ी था, उसने क्या किया, डोंकी के ब्रेन को यानी उसका मुंह सर वाला जो भाग था उसको खा लेता है। व्हेन द किंग लायन केम बैक टू ईट हिज प्रे, ही वॉज सरप्राइज टू सी द डंकीज ब्रेन वॉज मिसिंग। और जब शेर लौट करके आया, उसने देखा कि जो गधा था उसका ब्रेन तो गायब था, यानी उसको खा लिया था उसने। वॉट इज दिस डंकी ब्रेन, द किंग लायन रोर्ड एंड ग्रेट एंगर, यानी गुस्से में शेर बोला कि इसका जो ब्रेन था वो कहाँ गया। द डोंकीज ब्रेन, द फॉक्स एक्सप्रेस्ड इन सरप्राइज, यानी जो डोंकी था उसने सरप्राइज होके कहा कि किसका ब्रेन, डोंकी का ब्रेन। योर मैजेस्टी, यू आर फुली अवेयर दैट डंकी डजेंट हैव अ ब्रेन। तो उसने कहा कि महाराज, आप नहीं जानते हो कि गधों के पास ब्रेन नहीं था, यानी उस गधे के पास ब्रेन ही कहाँ था। अगर उसके पास ब्रेन होता, हैड द डंकी एवर अ ब्रेन, ही वुड नेवर हैव कम बैक विद मी वेलेस फॉर सेकेंड टाइम। अगर उसके पास बिल्कुल भी ब्रेन होता तो वो दोबारा हम लोगों के पास सेकेंड टाइम नहीं आता। यस अग्रीड द लायन दैट्स पॉइंट, यानी शेर जो था उसकी बातों में आ गया, उसने कहा हाँ ठीक है, सही कह रहे हो, अगर उसके पास दिमाग ही होता तो दोबारा क्यों आता। एंड ही स्टार्टेड ईटिंग हैप्पली एंड रेस्ट ऑफ द फ्लेश डेड डोंकी, यानी बाकी जो बचा हुआ फ्लेश था उसको उसने शेर ने खा लिया। चलिए मल्टीपल चॉइस देखते हैं। वंस देयर लिव्ड अ फूलिश डोंकी, तो यहाँ ऑप्शन बी सही होगा। द डोंकी लुक्ड फूलिश नर्वस एंड हंग्री, ऑप्शन नंबर डी सही है। थर्ड में द फॉक्स सेड, डोंट वरी, आई एम अ सीनियर मिनिस्टर ऑफ द फॉरेस्ट किंगडम, ऑप्शन नंबर ए सही है थर्ड का। फोर्थ का ऑप्शन नंबर बी सही हो, सी सही होगा। वेयर इज द डंकीज ब्रेन, द किंग लैंड रोड एंड ग्रेट एंगर, इन ग्रेट एंगर। नेक्स्ट देखते हैं, द डोंकी बिलीव्ड व्हाट द फॉक्स सेड एंड एकम्पनीड वंस अगेन टू द पैलेस। फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए, पहले में कनिंग फॉक्स भरा जाएगा। इन द फॉरेस्ट लिव्ड किंग लायन एंड हिज मिनिस्टर, अ कनिंग फॉक्स। सेकेंड में, अ किंग नीड्स अ बॉडी गार्ड हु हैज एक्सपीरियंस इन ऑफ टाउन लाइफ। थर्ड में देखिए, द किंग लायंस बिकेम हाईली इम्पेशेंट एंड पाउंस्ड अपॉन हिम इमीडिएटली द लायन। फोर्थ नंबर देखिए, द लायन वेंट टू टेक बाथ एंड ऑफर हिज प्रेयर्स। फिफ्थ नंबर, द फॉक्स सेड, योर मैजेस्टी, यू आर फुली अवेयर दैट डंकी डोंट हैव ब्रेन। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। और इस चैप्टर के सारे वर्ड मीनिंग आप सबसे पहले लिखेंगे अपने नोटबुक में। थैंक यू सो मच।